गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने ट्यूसडे को हाउसेस के बारे में लेसन रीड किया था। थर्ड लेसन किसके बारे में? हाउसेस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड अपार्टमेंट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बारे में रीड किया था। आगे हम देखिए, आगे MCQs थे, हमने वो भी सॉल्व किए थे। आई होप आपने सॉल्व करने की ट्राई की होगी और लर्न भी किया होगा। और बुक रीडिंग ज़रूर करते रहिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपकी बुक स्किल्स, रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी इससे। प्लीज़ बुक रीड ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आगे देखिए, अच्छे घर के बारे में है। आगे अ गुड हाउस, अच्छा घर। हमारा घर कैसा होना चाहिए? हम एक अच्छे घर में क्या क्या अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए कि हमें हम जिसमें रह सकें, कंफर्टेबल हो हमारे लिए जो, और सेफ भी हो। ओके, देखिए, अ गुड हाउस शुड हैव ऑल द थिंग्स वी नीड टू मेक अवर सेल्व्स सेफ एंड कंफर्टेबल। एक अच्छा घर होना चाहिए, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे घर में। कौन सी सभी चीज़ें? वी नीड टू मेक अवर सेल्व्स, जो हमें बनाती हैं, क्या बनाती हैं हमें? खुद को सेफ, सुरक्षित, मतलब सेफ मैंने सुरक्षित, जो हमें खुद को सुरक्षित महसूस करवाती हूँ और कंफर्टेबल महसूस करवाती हूँ। अच्छा घर वही है जहाँ हम सेफ महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें और आरामदायक, आराम से रह सकें, खुद को आराम से रह सकें, मतलब फील करें अच्छे से, कंफर्टेबल फील करें खुद। ओके, अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। एक अच्छे घर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, नंबर वन, इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। वेल वेंटिलेटेड मतलब अच्छा हवादार, खुला और हवादार। इट शुड बी वेंटिलेटेड विद विंडोज़ एंड डोर्स। एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए? अच्छा हवादार होना चाहिए। किसके साथ? विद विंडोज़, खिड़कियों के साथ और डोर्स के साथ। मतलब ये नहीं कि घर के अंदर कोई भी विंडो ना हो, अगर विंडो नहीं होगी तो फिर उससे क्या होगी? सफोकेशन हो सकती है। ओके, अंदर क्या हो जाएगी? गर्मी हो सकती है, सफोकेशन हो जाएगी आपको, मतलब सांस लेने में ऐसे लगेगा कि आपको दिक्कत हो रही हो। और अगर विंडोज़ होंगी, डोर्स होंगे, तो आप उसको अच्छे मौसम के टाइम में आप ओपन कर सकते हो और इससे आप अच्छे मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। इट शुड हैव इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। उसमें क्या होना चाहिए? इससे क्या होगा, अगर हमारे डोर्स और विंडोज़ होंगे तो उससे हमें इनफ, काफ़ी मात्रा में सनलाइट और ताज़ी हवा मिल सकेगी। ओके, ये तो हमें क्या होना चाहिए? वेल वेंटिलेटेड, मतलब विंडोज़ और डोर्स होने चाहिए और सनलाइट और फ्रेश एयर आनी चाहिए। सनलाइट किल्स जर्म्स एंड कीप्स द रूम्स ड्राई। अब सनलाइट आनी क्यों ज़रूरी है? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सोचेंगे सनलाइट कैसे आनी चाहिए, इतनी गर्मी है क्या ज़रूरी है? तो नहीं आनी चाहिए, बट नहीं तो कुछ आनी चाहिए। कि रीज़न क्या है? सनलाइट क्या करती है? किल्स जर्म्स, जर्म्स को मार देती है, मतलब कीटाणुओं को मार देती है। एंड कीप्स द रूम्स ड्राई, और रूम्स को, कमरों को क्या रखती है? ड्राई रखती है, सूखा रखती है। क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप्स अस हेल्दी। क्लीन और ताज़ी, और यस, साफ और ताज़ी हवा हमें क्या रखती है? हेल्दी रखती है। ओके, नंबर टू देखिए, द विंडोज़ एंड डोर्स शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग। क्या है? विंडोज़ और डोर्स, दरवाजे और खिड़कियाँ क्या होने चाहिए? प्रॉपर वायर नेटिंग लगी हुई होनी चाहिए, मतलब नेट लगी हुई होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे नेट वाले डोर्स होते हैं ना, तो विंडोज़ पर भी नेट लगी हुई होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? देखिए, दिस कीप्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ अवे। नेट मतलब जालियाँ। ओके, दिस कीप्स, ये रखती हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज़ को दूर रखती हैं। अलाउज़ बट अलाउज़, परंतु अलाउ करती हैं एयर और सनलाइट को अंदर आने के लिए अलाउ करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, दो वायर नेटिंग क्या करती हैं? वायर नेटिंग जो है फ्लाइज और मॉस्किटो को दूर रखती हैं और सनलाइट को एंटर
करने देती हैं और एयर को। ओके आगे देखिए, इट शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस। ड्रेनेज मतलब निकासी, मतलब पानी जो हमारा बाहर जाता है उसे हम निकासी सिस्टम बोलते हैं, निकासी व्यवस्था, निकास की व्यवस्था। ओके इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। हमारे घर में, एक अच्छे घर में, मतलब एक अच्छे घर में क्या किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि गंदा पानी क्या हो सके, बाहर जा सके घर से। ओके द ड्रेन्स कैरिंग वाटर, द ड्रेन्स कैरिंग वाटर फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम शुड बी प्रॉपरली कवर्ड टू कीप मॉस्किटोज अवे। जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स कैरिंग वाटर फ्रॉम द किचन, जो नालियाँ बनी होंगी, मतलब जो पाइप लगे हुए होते हैं, वो पानी को ले जाता है किचन से और बाथरूम से। ओके वो पानी लेकर जाता है ना, तो फिर उसे वो जो जहाँ से वो पानी जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, शुड बी प्रॉपरली, वो ढके हुए होने चाहिए, कवर्ड, प्रॉपरली कवर्ड, प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए वो जहाँ से पानी हमारा जाता है, मतलब जहाँ से पानी का पाइप होता है, सॉरी किचन का पाइप होता है, जहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं या बाथरूम होता है उसमें पाइप होता है, जहाँ से पानी जाता है, निकासी सिस्टम होता है जो, वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए। कवर क्यों होना चाहिए स्टूडेंट्स, टू कीप मॉस्किटोज अवे, जिससे क्या हो, मॉस्किटोज मच्छरों को दूर रख सके। और अगर वो कवर नहीं होगा, कॉकरोचेस भी हो जाते हैं ना, तो कॉकरोचेस भी बाहर आ सकते हैं, वो ड्रेनेज वाले मतलब पाइपों वाले गंद मतलब जर्म्स बाहर आ सकते हैं, इसलिए उसे प्रॉपरली कवर होना ज़रूरी है। ओके आगे देखिए, नंबर फोर, द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी स्लोप्ड टू अलाउ वाटर टू फ्लो आउट ईजली। जो किचन का और बाथरूम का फ्लोर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्लोप्ड होना चाहिए, जिससे कि पानी ईजली बाहर जा सके, पाइप की ओर जा सके। मतलब देखिए, जहाँ पाइप होगा हमारा, अगर वो पाइप वाली जगह थोड़ी सी भी ऊँची होगी, मतलब थोड़ी सी भी ऊँची होगी बाकी फर्श से, तो पानी हमारा अच्छे से बाहर नहीं जाएगा। और अगर हमारा स्लोप, स्लोप मतलब ढलान, अगर हमारा स्लोप पाइप की ओर अच्छे से होगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमारा पाइप है और यहाँ से पानी जा रहा है, अगर ये जगह थोड़ी सी नीची होगी तो स्लोप की वजह से सब सारा पानी यहीं अपने आप आ जाएगा। ओके और इससे क्या होगा, पूरा फर्श क्लीन रहेगा और ड्राई रहेगा। ओके अगर हमारी ये स्लोप अच्छे से नहीं होगा तो फिर पानी इधर उधर फैला रहेगा। ओके तो स्लोप अच्छा होना चाहिए जिससे पानी जा सके। द फ्लोर शुड बी क्लीन्ड डेली, और फ्लोर को हमें डेली साफ रखना चाहिए। ओके नंबर फाइव देखिए, इट शुड हैव ओपन स्पेसेस लाइक अराउंड द कोर्टयार्ड बैल्कनीज। इसमें अच्छे घर में क्या क्या होना चाहिए, बरामदा होना चाहिए, आंगन होना चाहिए और बैल्कनीज होनी चाहिए। बरामदा एंड बैल्कनीज लेट इन फ्रेश क्लीन एयर एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। बरामदा और बैल्कनीज जो होती हैं, बैल्कनीज होती है जो हमारी डोर के आगे जो हमारी ऊपर के पोर्शन में होती है बैल्कनीज, तो ऊपर जो होती हैं मतलब वो बनी हुई होती हैं, उसके लिए वो क्या स्पेस देती है हमें, फ्रेश एयर देती है और साफ़ सुथरी हवा देती है, और साथ में बच्चों के लिए खेलने की जगह देती है। बरामदा हमें क्या देता है, बच्चों के लिए खेलने की स्पेस देता है, जगह देता है। इट शुड हैव मैनी प्लांट्स, एक अच्छे घर में क्या होना चाहिए, काफ़ी प्लांट्स होने चाहिए, मैनी प्लांट्स होने चाहिए, कई पेड़ पौधे होने चाहिए। प्लांट्स क्लीन द एयर, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, हवा को साफ करते हैं, एंड मेक देम और बनाते हैं, मेक द सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, और हमारे आसपास के जगह को क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं उसे। मतलब देखिए, अगर प्लांट्स लगे हुए होंगे, फ्लावर्स आएंगे प्लांट्स पर, तो हमारे घर क्या लगेगा, उससे हमारा घर ब्यूटीफुल लगेगा ना, तो वो हमारा एरिया, वो क्या पोर्शन क्या लगेगा, फिर अच्छा लगेगा। ओके तो वो भी एक प्लांट्स भी हमारे घर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। ओके तो अब हमारे घर में
क्या क्या होना चाहिए? वेल वेंटिलेटेड वायर नेटिंग ड्रेनेज सिस्टम एंड स्लोपिंग होना चाहिए एंड वरामदा कोर्टयार्ड एंड बैल्कनीज होनी चाहिए यस एंड प्लांट्स होने चाहिए ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए अ क्लीन हाउस क्लीन हाउस एक साफ सुथरा घर वी मस्ट कीप अवर हाउस क्लीन हमें हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेज स्प्रेड डिजीज एंड मेक अस सिक वी मस्ट कीप अवर हाउस क्लीन हमें हमारे घर को साफ रखना चाहिए सम इंसेक्ट कुछ कीट जैसे कि मॉस्किटोज मच्छर हाउस फ्लाई घरों में जो मक्खियाँ होती हैं उन्हें हम हाउस फ्लाई बोलते हैं एंड कॉकरोचेज सेपरेट करते हैं फैलाते हैं डिजीज बीमारियों को एंड मेक अस सिक और हमें बीमार बनाते हैं हम क्या हो सकते हैं उससे बीमार हो सकते हैं वी कैन कीप अवे बाय क्लीनिंग अवर हाउस डेली हम इन्हें दूर रख सकते हैं हमारे घर को डेली साफ कर करके ओके अगर यदि हम हमारा घर डेली साफ रखें करेंगे तो हम इन चीज़ों को इन कीट इंसेक्ट्स को दूर कर सकते हैं देखिए अब आगे सम वेज टू क्लीन अवर हाउस अब कुछ मेथड बताए हैं इन्होंने हमारे घर को हमें कैसे साफ रखना चाहिए ओके स्टूडेंट्स देखिए नंबर वन फर्नीचर शुड बी डस्टेड एंड क्लीन्ड रेगुलरली जो हमारा फर्नीचर है फर्नीचर क्या होता है बेड हो गया ड्रेसिंग हो गई अलमीरा हो गई ओके टेबल हो गई चेयर हो गई ओके इसे हम क्या बोलते हैं फर्नीचर को हमें क्या करना चाहिए डस्ट करना चाहिए डस्टेड एंड क्लीन्ड साफ करना चाहिए डस्टिंग करनी चाहिए हमें रेगुलरली डेली द फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड फ्लोर पर फर्श पर हमें क्या चाहिए झाड़ू लगानी चाहिए एंड मॉप्ड पोचा लगाना चाहिए एवरीडे डेली जर्म्स किलर्स लाइक फिनाइल शुड बी यूज्ड व्हाइल मॉपिंग द फ्लोर और हमें जर्म्स किलर का यूज़ करना चाहिए मतलब कीटाणु उनको मारने के लिए जो दवाई होती है फिनाइल उसका यूज़ करना चाहिए जब हम पोचा लगाते हैं फ्लोर पर ओके नंबर थ्री देखिए एवरीथिंग शुड बी कीप कैप्ट एट अ प्रॉपर प्लेस सो दैट अवर हाउस लुक्स नीट एंड टाइडी हमें हर एक चीज़ घर में है कि हर एक चीज़ को प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए जिससे हमारा घर नीट एंड टाइडी साफ और सुथरा दिखाई दे ओके नीट एंड टाइडी साफ और सुथरा नंबर फोर टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी क्लीन डेली टॉयलेट और बाथरूम को हमें डेली साफ करना चाहिए डस्टबिन शुड बी कैप्ट कवर्ड टू कीप अवे इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डिजीज डस्टबिन को हमें ढककर रखना चाहिए जिससे कि कीट जो है बीमारियों को ना फैला सकें ओके और हमें इंसेक्ट्स जो उस पर बैठेंगे डस्टबिन पर वो उसके ऊपर गंद के ऊपर ना बैठ सकें तो अगर हम कवर रखेंगे तो वो जो डस्टबिन में जो हमारा गंद होगा उस पर नहीं बैठ पाएंगे और बीमारियां नहीं फैल पाएंगी ओके तो हमें डस्टबिन को कवर रखना चाहिए नंबर सिक्स बेड शीट्स एंड कर्टन्स मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली हमें बेडशीट और पर्दों को कर्टन्स मीन्स यस पर्दे बेडशीट्स चदरों को और पर्दों को हमें रेगुलरली वॉश करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स आगे देखिए स्टूडेंट्स टू एमसीक्यूज़ हैं आपको ये खुद सॉल्व करने हैं आपको बुक रीडिंग करनी है और टू पीछे एमसीक्यूज़ आए थे टू ये हैं तो आपको ये फोर एमसीक्यूज़ अच्छे से लर्न करने हैं ओके स्टूडेंट्स घर पर रहिए सुरक्षित रहिए स्टूडेंट्स ओके टेक केयर